कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्या मांगे हैं, किस घटना को लेकर प्रदर्शन? आप देखें, जिस देश को भारत प्रधान देश कहा जाता है, ऐसी घमंडी सरकार पहले तो गाड़ियां पलटती थी तब मृत्यु करती थी, लेकिन अब तो किसानों के ऊपर जो अन्नदाता हैं उनके सत्ता मद में वो चूर होके किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, जिससे 5 किसानों की मौत हो गई है। किसान लोकतांत्रिक ढंग से क्या ये संविधान में वर्णित नहीं है कि काले झंडे दिखाकर आप शांत तरीके से विरोध कर सकते हैं सरकार का? अगर सरकार का किसान विरोध कर रहे थे तो सत्ताधारी लोग गाड़ी चढ़ा देंगे, और जब गाड़ी चढ़ा दी तो क्रिया पे प्रक्रिया भी होती है। हो सकता है कुछ अराजक तत्वों ने और उपद्रव किया हो, लेकिन जब किसी के सामने अपना मरता है तो निश्चित रूप से लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम समाजवादी लोग अगर आवाज उठाते हैं, हमारे नेता तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। हम समाजवादी लोग मांग करते हैं उन पर मृतक परिवारों को 2-2 करोड़ रुपया दिया जाए, योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए और मंत्री और मंत्री के बेटे पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। कुचलने वाली गाड़ी राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की गाड़ी थी। मंत्री कहना कि उसमें भी उनके बेटे सवार नहीं थे। अब बेटे नहीं सवार थे, वो कौन लोग थे? उन्होंने स्वीकार किया मेरा ड्राइवर मारा गया, तो किसकी गाड़ी थी, किसने उन्हें भेजा था? क्या पहली बार विरोध हो रहा था? विरोध होता है, विरोध को शांत करने के लिए पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हम यहाँ धरना दे रहे हैं, यहाँ पुलिस इंतजाम करेगी, पुलिस हमें रोकेगी, पुलिस की भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाएंगे, हम पे ट्रक और गाड़ी चढ़ा देंगे। इनके जब घमंड अति से बढ़ जाता है तो अंधा आदमी हो जाता है, उसे दिखाई नहीं पड़ता है ये सत्ता मद में चूर है और इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है ये किस पे गाड़ी चढ़ा दें। इसलिए सब लोग बच के चलना, और हम लोकतंत्र और आप सबकी हम लोग लड़ाई।